अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सत्रह अप्रैल को सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी फिल्म कलंक दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। ऐसे में दर्शकों की जुबान पे चढ़ा हुआ है कलंक नहीं इश्क है। वेल, क्या है इस फिल्म की कहानी, तो चलिए आपको बताते हैं। इस फिल्म से आपको एक रॉयल फीलिंग आएगी। इस परिवार के हर एक सदस्य के दिल में एक राज दफन है। फिल्म की कहानी में पहले मेन फोकस आलिया भट्ट जो कि रूप है और जफर यानी कि वरुण धवन है। दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रूप और देव का प्यार हिंदू मुस्लिम वाले फेर में कैद होकर रह जाता है। तभी एक वजह से रूप की शादी देव यानी कि आदित्य रॉय कपूर से हो जाती है। देव पहले से ही शादीशुदा है। देव की पत्नी है सत्या जो कि सोनाक्षी सिन्हा है। ऐसे में सत्या के अरमान उसके दिल में ही दबकर रह गए हैं। ऐसे में देव और रूप और जफर का ये प्रेम का जो ट्रायंगल है कैसे प्रेम बनकर सामने आता है ये देखना होगा। क्या रूप और जफर का प्रेम अंत में मिल पाएगा? देव और उसकी पत्नी सत्या के बीच की जो दूरियां हैं क्या वो कभी खत्म हो पाएंगी या देव के जीवन में रूप के आने से वो सत्या को भूल जाएगा? वहीं फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की बात करें तो इनकी भूमिका काफी कम है। क्या ये कर रहे हैं इस फिल्म में और देव और रूप का क्या होगा, ये तमाम बातों के जवाब ढूंढने के लिए आपको ये फिल्म देखना बेहद जरूरी है। न्यूज़ डेस्क।